पोल्यूशन की मार झेल रही दिल्ली में अब पानी की समस्या से लोग दो चार होंगे, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने एक सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में लोगों को दिवाली के दिन पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा, तो त्योहारों के मौसम पर पानी की किल्लत हो सकती है। तो एक और प्रदूषण की समस्या से नागरिक पहले से जूझ रहे हैं और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। यमुना में अमोनिया का संकट बढ़ गया है, वहीं गंगा में अपर कैनाल की सफाई होगी, इस वजह से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। तो राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए पानी की राशनिंग अगले कुछ दिनों में करनी पड़ सकती है। त्योहारों में उनके लिए यह थोड़ी सी बुरी खबर कही जा सकती है। और सीधे रुख करते हैं इस बड़ी खबर पर। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, राजू राज और वरुण भसीन। राजू राज, आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक तरफ प्रदूषण की मार झेल ही रहे थे दिल्ली के लोग, और इन सब के बीच अब त्योहार के मौसम पर जल संकट भी। सर आ जाइए। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली वाले पर दोहरा मार पड़ा है कि दिल्ली के कई इलाकों में आने वाले दिनों में, दिवाली से लेकर आने वाले जो त्यौहार हैं, उसमें पानी की संकट गहरा जाएगा। क्योंकि एक तरफ गंगा की सफाई, दूसरे बाद यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के बाद सोनिया जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ की भी सफाई, उस वजह से कुछ इलाकों में, चाहे ईस्ट दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, और उसके अलावा नई दिल्ली का इलाका है, साउथ दिल्ली का इलाका, इन इलाकों में पानी की किल्लत होगी। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर कई हमारे साथ जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है कि सिर्फ अभी नहीं, पिछले कई महीनों से यहाँ पर पानी की दिक्कत है। मैडम, दिवाली का टाइम है और इस वक्त पानी की सप्लाई में अवरोध होना कितनी परेशानी का सबब है? देखिए, पानी सबसे मेन समस्या है इस टाइम पर। सफाई के लिए पानी चाहिए होता है, घर के सारे सब कपड़े वगैरह धोने, सबके लिए पानी चाहिए होता है। पानी बहुत ज़रूरी है, जो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मौजपुर में हम लोग बाहर से पानी भर रहे हैं, पानी के टैंकर्स आ रहे हैं, उससे हम लोग पानी भर भर के अपना काम कर रहे हैं। पानी की टैंकर आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं सर पानी को लेकर? क्योंकि आने वाले दो तीन दिनों तक त्योहारों पर पानी नहीं आएगा। देखो, ये काफी दिन से है, 8 महीने 9 महीने से पब्लिक ये हमारी शास्त्री गली में। राजू, इनको प्रॉब्लम तो ये बता रहे हैं कि इनको लगातार प्रॉब्लम बनी हुई है, ऐसे में जो अब सप्लाई बाधित होगी, जाहिर सी बात है उनकी समस्या और बढ़ेगी। आप उनसे बात करते रहे। वरुण भसीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, त्योहारों के मौसम में जिस तरह से पानी की किल्लत होने की आशंका जताई गई है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से, दिल्ली जल बोर्ड की ओर से की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त स्थिति अगर देखी जाए तो दिल्ली के साउथ दिल्ली का वो इलाका जहां पर मकान तो करोड़ों के हैं लेकिन एक मूलभूत सुविधा अभी भी मिसिंग है। मैं तस्वीरें दिखा दूं, इस वक्त मैं वसंत कुंज के सी ब्लॉक में मौजूद हूं, वहां पर आपको करोड़ों के इस वक्त बंगले नजर आ जाएंगे, वो लाखों की गाड़ियां नजर आ जाएंगी, लेकिन आज भी परेशान लोग, ये बाल्टी जो इस वक्त नजर आ रही है, वो सिर्फ यही इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से वो पानी की बूंद दिवाली के मौके पर उनके पास पहुंच जाए। यहां पर RWA के अध्यक्ष हैं। सर, क्या स्थिति बन गई है? अब सब कुछ है लेकिन बस शायद मूलभूत सुविधा, एक की कमी रह गई। नहीं, वैसे त्यौहार के टाइम ही कितने क्यों प्रॉब्लम खड़ी होती है? दिवाली का टाइम है, सबके घर रिश्तेदार आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग आदमी है, बीमार आदमी है, तो ये एक हफ्ते से क्राइसिस है। ये तो उनको पहले ही सोचना चाहिए था कि पानी का क्राइसिस ना हो पाए। सर, सब कुछ है, करोड़ों के बंगले बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो मूलभूत सुविधा पानी की हमेशा दिल्ली में, वो भी साउथ दिल्ली में, अगर कोई सोचे देश भर में देखे तो क्या मतलब, क्या मैसेज? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार चाहती है कि आम जनता जो है वो पिसते रहे, परेशान होते रहे, और सरकार से बाकी चीज़ों के बारे में सवाल ना पूछे। कब से पानी नहीं, पानी की अगर मैं बात करूँ तो पानी का क्या? पानी की समस्या पिछले 10-15 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बीच बीच में भी ये समस्या आती रहती है, कभी 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है प्लांट को, और 2 दिन के लिए बंद किया जाता है तो उसके बाद भी अगले 5-6 दिन लग जाते हैं पानी के। कोई जवाब देता है दिल्ली जल बोर्ड से? साफ तौर पर वरुण, देखिए ये सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे। आप दोनों का ही, राजू राज और वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए।